तो हाय गाइस, आई एम सौरभ एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सौरभ गेमिंग। बेसिकली गाइस, सर ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए गाइस सर काफ़ी लोगों का यहाँ पर भाई कमेंट था कि भाई मुझे बिल्कुल फ्री में क्रोनो दे दो या फिर बिल्कुल फ्री में डीजे आलो कैरेक्टर दे दो, ठीक है। लेकिन गाइस सर यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ कि यार अगर आप लोगों के पास कैरेक्टर नहीं है, मतलब डीजे आलो कैरेक्टर या फिर CR7 कैरेक्टर नहीं है, तो आप लोग कौन कौन सा कैरेक्टर को अपने मतलब गेम के अंदर यूज़ कर सकते हो, कौन सा बेस्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो गाइस सर यहाँ पर मैंने रखा है पूरे 5 बेस्ट कैरेक्टर आप लोगों के सामने, जो कि यार हमारे गेम में जो हमारे फ्री फायर के अंदर टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर है, जो कि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यार ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है OB26 न्यू अपडेट के बाद, ठीक है। तो यार यहां पर अपने पास है काफी ज्यादा कैरेक्टर्स, जो कि मैं आप लोगों को सारे के बारे में बताने वाला हूं कि यार इसका क्या स्किल एंड क्या यूज है एंड आप लोगों के लिए कौन सा कैरेक्टर बेस्ट होगा, ठीक है। बट उससे पहले सिर्फ एक क्वेश्चन है आप सभी से, क्या आप लोगों को OB26 के अंदर कोई दिक्कत हुई या फिर आप लोगों को ये वाला न्यू अपडेट कैसा लगा, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। मुझे भी जानना है यार कि आप लोगों को OB26 का न्यू अपडेट कैसा लगा। गाइस मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं OB26 को न्यू अपडेट को लेकर, तो गाइस यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यार सारा कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने अपना गेम अपडेट करके अपनी जो प्रोफाइल है ओपन की है, तो भाई मैंने बोला मतलब समझ रहे हो यार, मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्रोफाइल। आप लोगों को कैसा लगा? मतलब इससे पहले जो प्रोफाइल था वही बेस्ट था, मतलब क्या, मतलब ये पता चलता था कि कौन सा बंदा किसने क्या परचेस किया, वो नीचे में शो होता था हमारा। तो इस तरीके का सीन नहीं है OB26 अपडेट के बाद, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बाकी के सारा कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो बस यार अभी हम बढ़ते अपने मतलब टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो गाइस सर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिसका नाम है विंजो। इसके अंदर आप लोग गेम्स के लिए काफी ज्यादा पैसे अर्निंग कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को मोस्ट पॉपुलर गेम्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लूडो या फिर आप लोगों को बबल शूटर या फिर इसके अंदर आप लोग अपना फ्री फायर भी मिल जाता है। एंड इसके अंदर आप लोग इंस्टेंट या डायमंड्स भी परचेज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ। तो गाइस सर इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ गाइस इसके अंदर अगर आप लोग विड्रॉ करते हो तो बहुत ज्यादा ईजी वे से विड्रॉ हो जाता है। इसके अंदर आप लोग UPI या फिर बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में भी इंस्टेंट पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम विड्रॉ 3 रुपए तक है, तो गाइस सर काफी ज्यादा ओपी वाली बात है। एंड इसके अंदर आप लोगों को रेफर अर्न करके पर रेफर के आप लोगों को 40 रुपए मिल जाता है। एंड सबसे बड़ी बात गाइस, अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो भाई यहां पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में आप लोगों को डाउनलोड एंड साइन अप करने के 50 रुपए बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो गाइस वेट क्या करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाओ एंड डाउनलोड करो। ओके सो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो कैरेक्टर का सेक्शन है ओपन कर लिया। एंड अभी आप लोग देख सकते हो यार मेरे पास काफी ज्यादा कैरेक्टर्स अनलॉक है। इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर मैं आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पर जो हमने टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर चुना है उनका गाइस सर एक्टिव स्किल भाई साहब मतलब कतई जहर है यार, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं उन सारे एक्टिव स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस अगर आप लोग इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर एक भी कैरेक्टर आपके पास है तो भाई आप लोग अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइस सर काफी ज्यादा ओपी वाली बात है, तो बिना मिस किए हुए बिना क्यों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लो, ठीक है। एंड गाइस यहां पर जो हम लोगों ने टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर रखा है काफी ज्यादा ओपी है गाइस, आप लोग इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ठीक है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर के ऊपर, मतलब यहां पर जो हमारा 5th नंबर पे जो कैरेक्टर आता है उसके ऊपर। गाइस यहां पर जो हमारा 5th नंबर पे कैरेक्टर आता है वो है वुकोंग का। इसे मैंने 5th नंबर पे क्यों रखा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले इसके एक्टिव स्किल के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इसका जो एक्टिव स्किल है वो काफी ज्यादा सही है, मतलब कि अगर आप लोग इस कैरेक्टर को चूज करके खेल रहे हो गेम, ठीक है, तो आप लोग आपके जो सामने वाला इनेमी रहेगा आपको डैमेज देगा, ठीक है। आपको जैसे ही डैमेज देगा आपको डैमेज लगेगा, तो यार आप लोग इसकी जब भी एक्टिव स्किल ऑन करोगे तो भाई आप लोग मोर बन जाओगे, मतलब यार मोर नहीं बनोगे आप लोग, मोर की तरह मतलब घास बन जाओगे, ठीक है। मतलब घास बन जाने के बाद आपको अगर इनेमी मारता है तो भाई आपको डैमेज ही नहीं लेगा, मतलब कतई जहर, ठीक है। आप लोग यार उस तरीके से घास बन के मेडकिट भी लगा सकते हो, इधर उधर जा भी सकते हो या फिर आप लोग ग्लूअल भी लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए यार ये वाला कैरेक्टर काफ़ी सही है। गाइस सर अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यार इस कैरेक्टर को मैंने 5th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यार अगर आप लोग इस कैरेक्टर का लेवल मैक्स भी कर देते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी टाइम लगने वाला है कूल डाउन में। मतलब कि गाइस अगर आप लोग इसका एक्टिव स्किल ऑन कर देते हो एंड इसका एक्टिव स्किल का यूज कर लेते हो, उसके बाद इसका जो एक्टिव स्किल खत्म हो जाएगा तो आप लोग इसे फिर से रिन्यू होने में 200 सेकंड लग जाएंगे। मतलब कि गाइस मतलब 3 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसका एक्टिव स्किल पूरा होने में। उसके बाद मतलब 3 मिनट के बाद आप लोग गाइस यहाँ पर इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो दोबारा से, जो कि यार काफी ज्यादा टाइम हो जाता है यार, 3 मिनट काफी होता है भाई, ठीक है। तो यार यहाँ पर पूरे 3 मिनट से भी ज्यादा कह सकते हो एंड यहाँ पर पूरे 200 सेकंड के बाद आप लोग इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, इसका
लेवल मैक्स करने के बाद भी, ठीक है। इसलिए यार यहाँ पर मैंने इसका जो फिफ्थ नंबर पे इसे रखा है, मतलब कैरेक्टर तो काफ़ी सही है लेकिन यहाँ पर कूल डाउन होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे फोर्थ मतलब फिफ्थ नंबर पे रखा है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर कैरेक्टर के बारे में कि यार हमारा जो फोर्थ नंबर पे कैरेक्टर आता है वो कौन सा है। तो गाइस सर वो है क्लू, ठीक है। एंड गाइस सर यहाँ पर मैंने इसे फोर्थ नंबर पे क्यों रखा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले मैं इसकी एक्टिव स्किल के बारे में बता देता हूँ। गाइस सर इसका जो एक्टिव स्किल है काफ़ी सही है, मतलब कि यार ये एक तरह से स्कैनर का काम करती है। गाइस ये वाला जो फीमेल मतलब फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। तो गाइस सर यहाँ पर अगर आप लोग इस फीमेल कैरेक्टर का लेवल मैक्स कर देते हो तो भाई यहाँ पर आप लोग को 50 मीटर के आसपास में जो भी इनेमी रहेगा उसे स्कैन करके बता देगा कि भाई आपके 50 मीटर के आसपास इधर ही नेमी है या फिर इधर ही नेमी है, लोकेशन बता देगा, ठीक है। मतलब एक तरह से स्कैनर ये बताती है अगर इसके एक्टिव स्किल को ऑन करते हो तो, ठीक है। 7 सेकंड तक मतलब 7 सेकंड तक इसके एक्टिव स्किल ऑन करके मतलब आप लोग पता लगा सकते हो कि भाई इधर ही नेमी है या फिर इधर ही नेमी। बेसिकली गाइस अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो तो भाई ये वाला जो कैरेक्टर आपके काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। क्योंकि यार क्लैश स्क्वाड के अंदर काफी छोटा मैप मतलब रहता है, काफी छोटा जोन रहता है, तो आप लोग इस कैरेक्टर का काफी ज्यादा बेहद यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यार इसलिए मैंने इसे फोर्थ नंबर पे रखा है क्योंकि यार इसका जो स्किल है बस इतना ही है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर कैरेक्टर के बारे में। तो गाइस हमारा जो तीसरे नंबर पे कैरेक्टर आता है वो है के कैरेक्टर, ठीक है। काफी लोगों से मैंने सुना है कि ये वाला जो कैरेक्टर काफी ज्यादा बेस्ट है, तो भाई देखो यार ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा बेस्ट है, बट मतलब मैंने यहाँ पर तीसरे नंबर पे इसे किस लिए रखा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को इसका एक्टिव स्किल समझा देता हूँ। भाई ये वाला इसका जो एक्टिव स्किल है वो भी गाइस सर काफी सही है, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि इसका जो एक्टिव स्किल आप लोग ऑन करते हो तो गाइस इसका जो ईपी है वो एचपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके पास अगर एचपी नहीं है एंड आपके पास ईपी है तो वो ईपी एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास 50 ईपी भी है मतलब 100 ईपी है, ठीक है, एंड आपके पास 50 एचपी है तो भाई आपका जो 100 ईपी है वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास ईपी नहीं है तो भाई इसका एक्टिव स्किल ऑन करने के बाद ईपी भी आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एचपी फुल है एंड ईपी नहीं है तो अगर इसका एक्टिव स्किल ऑन कर देते हो तो भाई आपका ईपी भी बढ़ने लगेगा एंड कभी भी इनेमी डैमेज मारेगा तो भाई वो वाला जो ईपी है वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यार इसीलिए मैंने इसे 3 नंबर पर रखा है क्योंकि यार इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है ईपी को एचपी में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे 3 नंबर पर रखा है। सर अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर कैरेक्टर के ऊपर। तो गाइस सर काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे कैरेक्टर है वो कौन सा रहेगा एंड फर्स्ट नंबर पे जो कैरेक्टर है वो कौन सा रहेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, ऑब्वियसली जो हमारा आलोक है वो दूसरे नंबर पे कैरेक्टर ये वाला आ चुका है, ये फर्स्ट था मतलब। तो अभी भी यार काफी लोग यहाँ पर इसे फर्स्ट मानते हैं मतलब पहले नंबर पे मानते हैं, लेकिन गाइस जहां तक मुझे लगता है एंड मैंने इसे दूसरे नंबर पे क्यों रखा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी जो एक्टिव स्किल है वो आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर गाइस आप सभी को तो यार पता ही होगा, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप लोग अगर लेवल मैक्स कर देते हो तो भाई यहां पर आप लोगों को मतलब काफी ज्यादा 10 सेकंड तक जो एचपी है वो इंक्रीज होता रहेगा, 5-5 एचपी करते रहे मतलब 5-5 एचपी करते करते मतलब आपका 10 सेकंड तक ऐसे करके बढ़ता रहेगा, मतलब लगभग मैं बोलूं तो यार 50 एचपी तक ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके का, एंड इसके साथ अगर एक्टिव स्किल ऑन भी कर देते हो तो भाई इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, इसके कैरेक्टर का मतलब दौड़ने का स्पीड बढ़ जाता है, तो यार काफी सही कैरेक्टर है। लेकिन गाइस यार यहाँ पर इसे मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यार ये वाला जो कैरेक्टर है वो मतलब मिनिमम 50 ही एचपी दे पाता है, तो इसलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पे रखा है। लेकिन गाइस अगर जो हम लोगों ने पहले नंबर पे जो कैरेक्टर रखा है वो इससे बेस्ट है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर कैरेक्टर आता है वो है गाइस क्रोनो क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7। ओके सो गाइस सर यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं मैंने इसे क्यों फर्स्ट नंबर पे रखा है, ठीक है, वो भी गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके एक्टिव स्किल बता देता हूँ। भाई साहब यहाँ पर अगर आप लोग इसके अंदर इसका जो एक्टिव स्किल ऑन कर देते हो तो भाई ये एक शील्ड बना लेता है अपने चारों तरफ से एंड इसके अंदर आप लोग अपने इनेमी को डैमेज मार सकते हो लेकिन आपको इनेमी डैमेज नहीं मार सकता है, ठीक है। ये जब तक ये शील्ड टूटेगा मतलब ये जो शील्ड है वो टूटेगा तभी आप लोगों को डैमेज लगेगा, अदरवाइज आपके शील्ड पे डैमेज लगता रहेगा एंड 600 डैमेज मारने के बाद ही ये वाला शील्ड टूटता है एंड 10 सेकंड तक ये वाला जो शील्ड है वो चलेगा इस लेवल मैक्स करने के बाद, जो कि यार काफी ओपी वाली बात होती है। गाइस मैंने इसे एक नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यार अगर आप लोग कभी स्क्वाड में फाइट ले रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि सामने में स्क्वाड है, एक बैक से स्क्वाड आ गया तो आप लोग ये शील्ड ऑन करके भाई साहब वहाँ से भाग सकते हो, ठीक है। मैंने यार देखा है, खुद से देखा है भाई। अगर आप लोग ग्लूअल लगाना रहेगा तो आप लोग किधर ग्लूअल लगाओगे, अगर आपके पास ग्लूअल नहीं रहेगा तो भाई ये मतलब ग्लूअल से कम नहीं यार, काफ़ी ज़्यादा ओपी है एंड इसे शील्ड लगा के भाई आप लोग अपने इनिमी को अच्छे खासे डैमेज दे के जा सकते हो, ठीक है। तो यार इसीलिए मैंने इसका मतलब यार गेम
गेमप्ले देखा है यार, मतलब काफ़ी सही है। ठीक है, तो यार यहाँ पर मैंने इसे इसीलिए एक नंबर पे रखा है। बाकी यार आपकी ओपिनियन क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। इसलिए मैंने अभी टॉप 5 कैरेक्टर के बारे में बता दिया। इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर कैसा लगता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। मुझे तो यार यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लगता है। ठीक है, तो बस यार इस टॉप 5 कैरेक्टर्स के अंदर इतना ही। आप लोग को ये वाला कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।